वेलकम बैक। आप देख रहे हैं डेंजर जोन। इस खास सेगमेंट में हम चर्चा करते हैं कुछ ऐसे शेयरों की जहां पर आपका निवेश हो सकता है खतरे भरा। आपको बताएंगे एक ऐसा शेयर जहां पर नतीजों के दम पर हो सकते हैं फाइनेंशियल्स की कमजोरी और रिजल्ट्स के बाद यहां पर देखने को मिली है कमजोरी। और साथ ही आपको बताएंगे एक ऐसा शेयर जो कि पेनी शेयर है, पेनी कैटेगरी का है, लेकिन जोरदार उछाल देखने को मिला है फंडामेंटल्स के बेसिस पे। कोई भी ये शेयर नहीं चला है लेकिन बेवजह ही यहां पर जोरदार तेजी देखने को मिली है। लेकिन सीधा चलते हैं मेरे सहयोगी संदीप के पास और जान लेते हैं एक ऐसी कंपनी जिसके बेहद खराब फंडामेंटल्स रहे हैं, बेहद खराब फाइनेंशियल्स रहे हैं पिछले कुछ क्वार्टर्स में। बताइए संदीप, आप आज कौन सी कंपनी लेकर आए हैं? सुखे साक्षी केमिकल या तो फिर पेट्रोकेमिकल क्षेत्र की एक कंपनी है आंध्रा पेट्रो। इस कंपनी को आज हमने चुना है। इनफैक्ट अगर आप पिछले 10 तिमाही को रिजल्ट देखें तो लगातार इस कंपनी ने घाटा पोस्ट किया है। 10 में से अगर आप 9 तिमाही को रिजल्ट देखें तो ये कंपनी ने इनफैक्ट जो ऑपरेटिंग घाटा है वो भी पोस्ट किया है। इस कंपनी के अगर आप फाइनेंसिस को देखें, इनफैक्ट जो एक्सपेंसेस हैं वो काफ़ी हाई हैं। एक तो रॉ मटेरियल कॉस्ट, पावर एंड फ्यूल कॉस्ट और साथ ही साथ जो अदर एक्सपेंसेस हैं वो काफ़ी हाई रहे हैं पिछले कुछ तिमाहियों में, जिसकी वजह से इनके जो मार्जिन हैं उसके ऊपर लगातार दबाव देखने को मिला है। और पिछले एक साल में अगर आप देखें तो कारोबार में डिप देखने को मिला है। बिक्री अगर आप देखें करीब करीब 50% के आसपास का डिप देखने को मिला है। इंटरनेशनल मार्केट से जिस तरह का कंपटीशन है, क्योंकि बाहर से अगर आप देखें ब्यूटानॉल, हेक्सानॉल जैसे जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी बड़े पैमाने पर डंपिंग होती है इंडिया में, तो इसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं ये जो केमिकल या तो फिर पेट्रोकेमिकल क्षेत्र की कंपनियां हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। हालांकि सरकार ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई भी है लेकिन उसका इंपैक्ट देखिए हाल ही में जो नंबर आए थे उसमें भी नहीं देखने को मिला है। कंपनी की इनफैक्ट अगर आप देखें बुक्स के ऊपर डेट भी काफ़ी ज़्यादा है, करीब 80 करोड़ रुपये के आसपास का कर्ज है, जिसकी वजह से जो ब्याज लागत है वो भी काफ़ी हाई है, जिसकी वजह से मुनाफे के ऊपर इंपैक्ट देखने को मिला है। तो मार्जिन तो प्रेशर में आई है, उसके साथ साथ जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं बॉटम लाइन के ऊपर भी इंपैक्ट डालती है। यही कारण है कि बीते 3 साल से अगर आप देखें तो क्वार्टरली को छोड़ दें 3 साल से, तो सालाना आधार से भी अगर आप देखें ये कंपनी घाटे में है। तो उस लिहाज से कहीं ना कहीं जिस तरह से इंटरनेशनल प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है और खर्चे काफ़ी ज़्यादा और इंटरेस्ट कॉस्ट का प्रेशर है, उस वजह से इस कंपनी के नतीजे लगातार बीती 10 तिमाहियों से खराब है और ये कंपनी लगातार घाटे पोस्ट कर रही है। जी, तो हमने देखा आंध्रा पेट्रो आज के डेंजर जोन में। आज हालांकि इसमें आज लगभग फ्लैट ही है, लेकिन अगर ओवरऑल इसका परफॉर्मेंस देखें तो एक समय में ये 43 के लेवल्स पर भी था, यानी कि लगातार कंपनी अपने जो रिजल्ट्स हैं वहाँ पर नेगेटिव रही और साथ ही इंटरेस्ट कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। इस बीच वोकार्ट की कॉन्फ्रेंस कॉल में चलते including Modvet and Celltrex on pharmaceutical is about 11%. And if the standard rate applies, or even if the government provides the goods of important rates, the price of medicine is likely to go up by 1-7%. The other aspect is that government has announced a number of drugs under NLEM and which are under price control. We expect that the government will put under essential drug list and exempt it from GST provision, and that will also help further to reduce the cost of medicine. There are also a number of drugs today on essential drugs with 0% duty. And if the classification is changed, even those medicines will become expensive. All these will have direct impact on the price of medicine to consumers. It is very unlikely that the pharmaceutical industry will be affected by this because this is a pass on for the industry. Coming to the health sector, today health sector is completely exempted from sales tax and Modvet, all kind of duties. And one is not very clear from the legislation that how GST will be applied. What is worrying is in the earlier report where Arvind Subramaniam, who is an economic advisor to the Prime Minister, had went in to suggest that the GST for the healthcare should be 40% as only rich uses.
This is obviously a misconception, and I am sure that the government would have a better counsel prevail. But if at all the GST is going to be applicable either at 10 to 12%, which is for goods of importance, or at a standard rate of 18%, the cost of healthcare, both of the hospitals, maternity homes, and also doctors' fee, is likely to go up, and it will affect everyone. I think this is a general statement I would like to make at this point in time, and I would invite questions. Hello? Yes, sir. Should we open up for questions? Yeah, sir, you can open up for questions. Thank you. Ladies and gentlemen, we will now begin the question and answer session. Anyone wishing to ask a question may please press star and one on your touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and two. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. Also, a reminder to the participants, in order to ensure that the management is able to address questions from all participants in this conference, please limit your questions to one per participant. Participants, in order to ask a question, you may please press star and one. ऑल राइट, तो आपने अभी अभी सुना चेयरमैन डॉक्टर हबील खुराकी वाला, चेयरमैन ऑफ वॉकहार्ट फार्मास्यूटिकल्स, जिनका मानना है कि जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के बाद फार्मा सेक्टर के लिए एक नेगेटिव फैक्टर ये हो सकता है कि दवाएं महंगी होती हुई नजर आ सकती हैं। खास तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि कई ऐसी एसेंशियल ड्रग्स हैं जो इस वक्त जीरो ड्यूटी पर, 0% ड्यूटी पर काम करती हैं, लेकिन अगर उनका क्लासिफिकेशन बदलता है इस जीएसटी के आने के बाद, तो वो दवाएं भी महंगी होती हुई नजर आएंगी। डॉक्टर्स की फीस बढ़ती हुई नजर आएगी, हॉस्पिटल्स के खर्च बढ़ते हुए नजर आएंगे, जो कि ओवरऑल सभी को अफेक्ट करते हुए नजर आएंगे। साथ ही उन्होंने एक और इंपॉर्टेंट बात यह भी कही कि इकोनॉमिक अरविंद सुब्रमण्यम का जो मानना है कि कहीं ना कहीं फार्मास्यूटिकल्स में जो जीएसटी की दर होनी चाहिए, हेल्थ केयर के लिए जो दर होनी चाहिए, वो 40% तक होनी चाहिए, जो उनका मानना है कि काफी हानिकारक हो सकता है फार्मा इंडस्ट्री के लिए। खासतौर पर उन्होंने रिपोर्ट को मेंशन किया और उनका मानना है कि रिपोर्ट में अरविंद सुब्रमण्यम ने कहा है कि केवल रिच लोग यानी कि रईस लोग ही मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, वो एक से मिसकंसेप्शन है और उसे बदलने की जरूरत है। इसी पॉइंट पर लोकेश, मैं आपके पास आना चाहूंगी। इस वक्त वॉकहार्ट फार्मा के अलावा जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, जीएसटी के बाद किस तरीके का असर यहां पर उनको देखने को मिल सकता है, और टेक्निकली अभी आप से जानना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी कंपनी है जहां पर अभी भी सेफ साइड पर इन्वेस्टर्स निवेश कर सकते हैं। देखिए साक्षी, यहाँ पे थोड़ा फंडामेंटल व्यू देना चाहेंगे कि जैसे भी इन्होंने अपना कंसर्न दिखाया था आफ्टर जीएसटी, देर कुड बी पॉसिबिलिटी कि हेल्थ सेक्टर एंड द मेडिसिन एंड डॉक्टर फीसिस कैन गो हाई। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इंडिया इज अ मिडिल क्लास इकॉनमी, और यहाँ पे काफ़ी हद तक जो मिडिल क्लास है वो मेडिकल फैसिलिटीज़ को चीपर कॉस्ट पर अवेल करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इस पर भी कंसर्न रहना चाहिए कि कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में अगर जीएसटी से हमारे डॉक्टर्स की फीस, मेडिकल फैसिलिटीज़ महंगी होंगी, तो उनको कहीं ना कहीं अच्छी हेल्थ केयर अवॉइड हो जाएगी, अच्छी हेल्थ केयर वो ले नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये कंसर्न है, बट इट्स टू प्रीमैच्योर टू एड्रेस ऑन दीज थिंग्स। बट इफ आई लुक एट द टेक्निकल चार्ट्स ऑफ द फार्मा सेक्टर, वॉकहार्ट लुक्स वेरी गुड। वी कैन सी एन अपसाइड अराउंड 1050 अलॉन्ग विद सिप्ला एंड सरफार्मा, जहाँ पे अच्छा एक बुलिश पैटर्न बना हुआ है, और आने वाले टाइम में आपको यहाँ से 3 से 5% की अपसाइड देखी जा सकती है। आपने 2-3 नाम लिए लोकेश, सिप्ला का नाम आपने लिया, बट बिसाइड्स एक बार नजर भी डाल लेते हैं आज कौन कौन से फार्मा स्टॉक्स जो एक्शन में दिख रहे हैं। कैडिला नतीजों के बाद यहाँ पर अच्छी खासी तेजी देख सकते हैं, फिलहाल 7% ऊपर है कैडिला हेल्थकेयर। इसके अलावा सन फार्मा, यहाँ पर भी 1.5% तक की तेजी देखी जा सकती है। डॉक्टर रेड्डीज, यहाँ पर भी 1.25% की तेजी आज के सेशन में दिख रही है, लगभग 33 रुपये ऊपर ये स्टॉक काम कर रहा है। इसके अलावा अरबिंदो फार्मा, यहाँ पर भी 0.5% तक की तेजी है। ग्लैनमार्क, ग्लैक्सो, ये सब आज अच्छी तेजी के साथ काम कर रहे हैं। जैसे लोकेश आपने पॉइंट आउट किया, जैसा खुद हमने डॉक्टर हबीब खुराकी वाला को भी सुना, कि इन्फ्लेशन डेफिनेटली एक फैक्टर है, क्योंकि दवाइयों के रेट्स बढ़ जाएंगे और ओवरऑल जो खर्च होता है मेडिकल वो काफी ऊपर आएगा। तो ये फैक्टर कैसे प्ले आउट करेगा सभी फार्मा कंपनीज पर?
देखिए पल्लवी जी, पहले तो डिपेंड करता है कि देर लॉट ऑफ यू नो ड्रग्स दे स्पेसिफाइड लाइक लाइफ सेविंग ड्रग्स होते हैं या सेंसिटिव डिजीज ड्रग्स होते हैं जो कहीं ना कहीं एग्जेम्प्टेड होते हैं बिकॉज दे आर कंसिडर्ड एज अ लाइफ सेवर्स फॉर द ह्यूमन बींग्स. तो वहाँ पे तो एग्जेम्पशन मेरे ख्याल से बनी रहनी चाहिए बिकॉज लाइफ सेविंग ड्रग्स इन सेंसिटिव डिजीजेज लाइक जैसे कि वन कैन लुक आउट कैंसर डिजीज और किडनी फेलियर और हार्ट डिजीजेज. तो वहाँ पे जो मेडिसिन होती हैं वो वैसे ही काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं अगर उस पर कोई भी हैवी ड्यूटीज या इम्पोर्ट ड्यूटीज लगती हैं इट विल गो आउट फ्रॉम द रीच ऑफ द मिडिल मैन जो ऑलरेडी इलनेस को तो फेस कर ही रहा है. तो कहीं ना कहीं उसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा. आई डोंट थिंक कि वहाँ पे जो एग्जेम्पशन हैं वो एक्सक्लूड कर दी जाएंगी. एग्जेम्पशन विल मेंटेन फॉर दीज काइंड ऑफ डिजीजेज. जी बिल्कुल. चलिए आगे बढ़ते हैं और लॉजिस्टिक स्पेस पर भी नजर डाल लेते हैं. खासतौर पर जब भी हम जीएसटी की बात करते थे ये एक सेक्टर ऐसा होता था जहां पर डेफिनेटली एक बज देखने को मिलता था, लेकिन कल ही से ये पूरा सेक्टर जो है प्रेशर में देखने को मिल रहा है. जो कुछ चीजें अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है, खासतौर पर जो दर का अभी तक मेंशन नहीं हुआ है, उसी की नर्वसनेस प्ले आउट होते हुए नजर आ रही है. ऐसे में ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स के मैनेजमेंट से हमने बातचीत की. प्रकाश तुलसियानी सीओओ और ईडी है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स से, जिन्होंने हमारे साथ बातचीत की है. नमस्कार सर, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर. शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए. सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे जीएसटी के बिल के बारे में ही. कल राज्यसभा में ये ऐतिहासिक बिल पास होते हुए नजर आया, आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए अब तक क्या है, 16-17 कुछ 16-17 टैक्सेस आर अवेलेबल और बीइंग लेविड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. एंड अब जीएसटी के आने से एक ही रहेगा, उससे बहुत ही, एक तो पहली बात है ईजीनेस डूइंग बिजनेस विथ ईज विल कम इन. और उससे फायदा ये है कि भाई एक ही डॉक्यूमेंट आपको बनाना है और एक डॉक्यूमेंट के जरिए आपको पूरा काम करना है. मतलब एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, असेट यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो जाएगी, टाइम कम लगेगा, आपको इन्वेंट्री कम रखनी पड़ेगी. और लॉजिस्टिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो, इसके लिए कि लॉजिस्टिक्स की जो इम्पॉर्टेंस है वो आज लॉजिस्टिक्स के हिसाब से कंपनियां काम करेंगी और उसका जो इम्पॉर्टेंस है वो बढ़ जाएगी लॉजिस्टिक्स कंपनीज की. क्योंकि आज जो वेयरहाउसेज हैं वो छोटे हैं, एक एक स्टेट में बनाए गए हैं, टैक्स के हिसाब से काम चलता है. आगे जाके टैक्स पूरे भारत में एक ही होगा, पूरे देश में एक होगा, तो उसके लिए फिर आप भी वेयरहाउसेज उसी तरह बनाएंगे. यहां तो मैन्युफैक्चरिंग के पास, यहां तो फिर आपके कंजम्पशन के पास, डिपेंडिंग ऑन ईच कंपनीज रिक्वायरमेंट. तो शॉर्ट टर्म में, इमीडिएट में पहले तो यह होगा कि भाई पहले लॉज देखे क्या है, कैसे उसको रोल आउट करते हैं और उस हिसाब से लॉजिस्टिक्स कंपनीज अपनी तैयारियां करेंगी और कंपनीज भी अपनी तैयारियां करेंगी. तो मीडियम टर्म में इसका इफेक्ट बहुत ही अच्छा आएगा और स्पेशली कंपनीज जैसे ऑल कार्गो है, जैसे कंपनीज हमारी लॉजिस्टिक्स में है, उनको बड़ा फायदा होगा क्योंकि ये जो बड़ी कंपनियां हैं उनके पास स्केल है और यही काम कर सकती है अपने बड़े स्केल में. जी दुलसियानी, इनफैक्ट जैसे आपने कहा कि ओवरऑल ये सभी के लिए फायदेमंद है, लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली लॉजिस्टिक सेक्टर की बात करें तो क्या और बेनिफिट्स आप देख रहे हैं ब्रॉडर लेवल पे जीएसटी आने के बाद, जो फायदा होगा, जो बेनिफिट्स दिखेंगे? जो हमारा लॉजिस्टिक्स का टैक्स बर्डन है वो एक्चुअली जो सेल्स टैक्स, जो सर्विस टैक्स है वो हम, और वीएटी जो भी है हम भरते हैं अपना, बट हमें भी वही सेम लागू हो जाएगा जीएसटी का. तो इसमें एक्चुअली फायदा होगा जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स और कंज्यूमर्स का, क्योंकि जो कॉस्ट आज ऊपर है लॉजिस्टिक्स की वो इसके लिए है क्योंकि हर जगह जब भी हमारी ट्रक क्रॉस होती है एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर तक, उसको रुक जाना पड़ता है, काफी डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं. तो फायदा उनका ज्यादा है, दैट इज के टैक्स रेट जो एक कॉमन हो जाएगा तो उसमें लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम हो जाएंगे और उसका फायदा कस्टमर्स और कंज्यूमर्स को मिलेगा. जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर तुलसियानी हमारे साथ बातचीत करने के लिए, खासतौर पर जीएसटी पर अपने व्यूज रखने के लिए. तो उनका मानना है कि कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक स्पेस के लिए जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो कम होती हुई नजर आएगी और वो एक बड़ा पॉजिटिव हो सकता है पूरे ही सेक्टर के लिए.